Hello friends, YouTube channel PHP training by developer में आपका स्वागत है. Friends, today हम हमारे YouTube channel के माध्यम से PHP के introduction के बारे में discuss करेंगे. So friends, हम start करते हैं PHP की definition से. PHP की फ्रेंड्स एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि PHP इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. PHP इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. PHP इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. PHP इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मींस यदि आपको PHP की एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है, यदि आपको PHP की एप्लीकेशन को रन करना है, तो आपको एक बेसिक सर्वर की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको एक बेसिक सर्वर की नीड रहेगी, आपको एक बेसिक सर्वर की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए आप वेब सर्वर या Xampp सर्वर का यूज कर सकते हैं. PHP के एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको स्पेसिफिक सर्वर की नीड रहती है. सर्वर या तो आप Xampp यूज कर सकते हो या फिर आप Xampp सर्वर का यूज कर सकते हो. या तो आप Xampp सर्वर का यूज करो या फिर आप Xampp सर्वर का यूज कर सकते हो. फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं वेब सर्वर एंड Xampp सर्वर के बारे में. वेब सर्वर में W stand for विंडोज इज माय ऑपरेटिंग सिस्टम. S stand for अपाचे. M stand for MySQL and P stand for PHP. Windows operating system, Apache is my server, MySQL is my database server and PHP is my programming language. So Xampp server में W stand for Windows, S stand for Apache handler server होता है, MySQL, M stand for MySQL is my database server and P stand for PHP is my programming language. Xampp server को आप Windows के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे सक्सेसफुल इंस्टॉल कर सकते हैं. वेब सर्वर को विंडोज के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं Xampp सर्वर के बारे में. Xampp में X स्टैंड फॉर होता है इट सपोर्ट on any operating system means it is a platform independent. Xampp server को आप किसी भी operating system पे चाहे Windows हो चाहे Linux हो किसी भी server पे अपन Xampp server को successful installation कर सकते हैं. Xampp में X stand for it is supporting on any operating system. S stand for Apache. M stand for MySQL and P stand for PHP. Okay friends, so ये हुआ Xampp server and Xampp server. इसके थ्रू अपन PHP के एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं Xampp server and Xampp server के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में. So दोनों का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है.
बट PHP के प्रोग्राम खुद अपन वेम सर्वर के थ्रू भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एंड अपन जेम सर्वर के थ्रू भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. सो बेसिक स्ट्रक्चर अपन डिस्कस करते हैं वेम सर्वर का. तो PHP ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. PHP को अपन किसी भी ड्राइव में सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं. सिस्टम की किसी भी ड्राइव, चाहे सी ड्राइव हो, डी ड्राइव हो, ई ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में मैं वेम सर्वर को एंड जेम सर्वर को अपन इजीली इंस्टॉलेशन कर सकते हैं. यदि अगर आपने सी ड्राइव के अंदर वेम सर्वर को इंस्टॉल किया है तो आफ्टर इंस्टॉलेशन सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है वेम्प नाम का. उसके अंदर एक डायरेक्टरी बनती है www. इसके अंदर एक फाइल मिलेगी आपको index.php. फ्रेंड्स, यदि अगर आपने वेम सर्वर को सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल किया है तो ये बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा. इसमें फ्रेंड्स आप index.php को डिलीट मत करिए. यदि अगर आपने index.php को डिलीट कर दिया तो आपको वेब सर्वर का होम पेज शो होना बंद हो जाएगा. ओके, ये स्ट्रक्चर अपन बात करते हैं जेम सर्वर का. यदि अगर आपने जेम सर्वर को इंस्टॉल किया है सी ड्राइव में तो सी के अंदर जेम नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. उसके अंदर HT डॉक्स इनबिल्ट फोल्डर बनेगा आपका और उसके अंदर आपके index.php फाइल इनबिल्ट बन के आएगी. इसमें भी आप index.php को डिलीट मत करना. यदि अगर आपने index.php को डिलीट कर दिया तो आपको जेम सर्वर का होम पेज होना बंद हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, PHP के ये बेसिक इंट्रोडक्शन है वेम सर्वर एंड जेम सर्वर का. ये बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वेम तो जेम का. तो अब अपन बात करते हैं कि यदि अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो आप कहाँ बनाओगे. तो आप www फोल्डर के अंदर आप एक फोल्डर क्रिएट करोगे. फोल्डर के अंदर आप फाइल क्रिएट करोगे. फाइल का जो भी नाम आपको देना है उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा .php. यदि अगर आपको जेम सर्वर के अंदर PHP के प्रोग्राम बनाना है तो htdocs जो फोल्डर है htdocs के अंदर आप फोल्डर क्रिएट करोगे. फोल्डर के अंदर आप फाइल बनाओगे. फाइल का नाम .php से आप क्या करोगे सेव करोगे. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स PHP के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हमने डिस्कस किया. अगर आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आप शेयर करें. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. ओके.